नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बनवाल। 5A स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ IBPS क्लर्क मेंस का एनालिसिस लेकर, जैसा कि मैं हर एग्जाम के बाद लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कैसे हैं और आपका IBPS क्लर्क मेंस का पेपर कैसा रहा? आई होप काफ़ी अच्छा ही रहा होगा। एग्जाम का लेवल कैसा है था या फिर मैंने कितने अटैम्प्ट किए, गुड अटैम्प्ट क्या हो सकती है, सब चीज़ मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम का चैनल है मेरा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उनके साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, लगभग 4 साल से बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। काफ़ी सारे प्री मैंने निकाले 2021 में, तो सारा प्री मैंने क्लियर किया है, चैनल पर आप देख सकते हैं विजिट करके। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं गाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो न्यू कॉमर्स हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि 2022 में आपको चाहिए ही सिलेक्शन, एकदम सीरियस बैंकिंग कैंडिडेट है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप ज्वाइन करिए वहाँ से। और 2022 के लिए मैं आपको बढ़िया से गाइड करूँगा और आपका सिलेक्शन होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन खुला था वो था GA। ठीक है, तो GA को देखने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है, क्योंकि मैं गया था यहाँ से, मुझे लगा कि काफ़ी क्वेश्चन टफ आएंगे, तो रूम से निकला तो यही दिमाग में था कि GA टफ आएगा। लेकिन जैसे ही GA मेरे सामने खुला तो मेरा एक्सप्रेशन था ऐसा वाला, स्माइल वाला एक्सप्रेशन था। क्यों? क्योंकि GA काफ़ी डुएबल आया था आज। ठीक है, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि RRPO, RRB क्लर्क, SBI PO या IBPS PO का जो 22 तारीख को हुआ था, काफ़ी टफ GA था, उसमें मेरे सिर्फ 7 to 8 marks आ रहे हैं, तो काफ़ी ख़राब लगा। लेकिन हाँ, ये GA का सेक्शन आज अच्छा गया। GA के टोटल 32 अटेम्प्ट मैंने किए हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 25 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने मिलाया नहीं है। अगर आपने अच्छे से GA की पढ़ाई की है, अगर फांकी नहीं मारा है, कैप्सूल को सिर्फ ऊपर से नहीं रटा है, तो आप 20 प्लस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 20 से 25 के बीच विद गुड एक्यूरेसी। ठीक है, और GA के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, शाम में या कल मैं आपको एक PDF बना के दे दूंगा, जो भी आए हुए क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूंगा 30-40 तो कम से कम, और आंसर बताऊंगा। ठीक है, GA का हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी काफ़ी ड्यूएबल थी। ठीक है, 2 RC आया था, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसलिए नीचे देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 RC आया था। ठीक है, दोनों में 5 से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक RC का जो थीम था वो था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, और दूसरा RC का जो थीम था वो इंडिया और US का कोई थीम था। ठीक है, अच्छा, पहले जो RC थे क्लाइमेट चेंज के, उसमें एक सिनोनिम्स था स्पीड अप। ठीक है, उसका आंसर मैंने 2 accelerate किया है। आपने आंसर क्या किया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था और आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंग्लिश में क्लोज स्टेट था, 7 क्वेश्चन, A से G तक था, 7 क्वेश्चन एग्जैक्ट था, मुझे याद है। ठीक है, और काफ़ी ठीक ठाक था। अगर आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो आप आराम से क्लोज स्टेट को बना सकते हैं। ठीक है, उसमें थीम था कि कोई आर्कटिक रीजन के कंट्री है बहुत सारे। ठीक है, तो उनको एक राइवल मिला है, और इसी तरह एक ऑप्शन में राइवल आंसर था भी, जो मैंने टिक किया, आपने क्या किया ये बात बताना। ठीक है, तो उसमें चाइना का डोमिनेंस दिखाया गया था। ठीक है, मतलब आर्कटिक रीजन के कुछ कंट्री है, उनका चाइना से क्या कॉम्पिटिशन, राइवलरी क्या है, वो उसमें थीम था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन रीअरेंज करना था, जैसे कि ए, जो ए एक लेटर था, मतलब एक सेंटेंस था ए, उसको फिक्स कर दिया था और सही था, बाकी BCD आपको अरेंज करना था। उसमें एक क्वेश्चन रीअरेंज करना था और एक क्वेश्चन जो है उसमें एरर ढूंढना था, मतलब रीअरेंज भी करना था और उसी में से एक बी पोर्शन या सी पोर्शन जिसमें भी एरर है वो बताना था। तो उसमें एक एरर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने किया था, एप्रिसिएटिव जिस सेंटेंस में था वो एरर था। ठीक है, अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद डबल फिलर्स के क्वेश्चन आए थे 4-5, उसमें 3 ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और आपको बताना था कि जो आंसर होंगे वो क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, है ना, इस तरह से था। मॉडरेट था थोड़ा सा, मतलब बनने लायक था। लेकिन उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 ऑप्शन, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे, ये भी ऑप्शन बेस्ड था, एक बोल्ड में फ्रेज दे दिया गया था और ऑप्शन दे दिया था ए बी सी। अब तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है, ए सही है या ए बी या बी सी या सी, इस तरह से था। उसके भी 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैच द कॉलम था, उससे लगभग 3 क्वेश्चन थे, और वो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी बनने लायक था। ठीक है, तो ये हो गए इंग्लिश की। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट कितने रहे, मैंने 25 अटेम्प्ट किया था और एक्यूरेसी कोशिश किया था मेंटेन करने का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट हो रहा था वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, टोटल 10 एलिमेंट थे। ठीक है, 5 वर्ड था और 5 4 डिजिट का नंबर था। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना था कि जो
नंबर थे उनको ऐड करना था, मान लीजिए 6142 है तो सारे नंबर को ऐड करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का, उसको उठाया, उसको ऐड किया और लेफ्ट साइड रख दिया। उसके बाद साथ ही साथ एक ऐसा मतलब ये उठाया, क्या नाम है, वर्ड जिसका अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले आता है और उसमें जो भी वॉयल थे, ठीक है, वॉयल जो भी थे उनको क्या नाम है सिंबल से रिप्लेस कर रहा था। तो पहले एक बार शिफ्टिंग लेफ्ट साइड से थी, फिर सेकंड स्टेप में शिफ्टिंग राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। आई होप आप समझ रहे होंगे, जिसने पेपर दिया वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये दो दो मार्क्स के थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद पजल था, पजल से भरा हुआ था मतलब, और लेंदी लेंदी पजल था, दिखने में छोटे लग रहे थे, वो कहते हैं ना कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही था, छोटे दिख रहे थे लेकिन धमाका काफी बड़ा कर रहे थे, मतलब फंस जा रहा था, मैं पजल में फंस गया था, इसलिए मेरा रीजनिंग का पेपर गड़बड़ा गया। एक पजल था लीनियर अरेंजमेंट का, जिसमें 6 पर्सन थे और उनके साथ एक वेरिएबल था, एज दिया हुआ था, ठीक है, और एज को कैलकुलेट करना था 2021 के कंपैरिजन, मतलब 2021 बेस ईयर लेना था, ठीक है। वो काफी लेंदी पजल था, काफी लोगों का समय खराब किया इसने, 5 क्वेश्चन थे एक एक मार्क्स के। उसके बाद हेक्सागोनल पजल आया था, जिसमें से 12 पर्सन थे, 6 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए थे, 6 लोग मिडिल पे बैठे हुए थे और डायरेक्शन जो था वो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों था, ठीक है। इसके भी 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद 13 पर्सन थे, 2 रो था, रो 1 रो 2, ठीक है, उसमें 13 पर्सन, एक में 7 पर्सन अरेंज हो रहे थे, एक में 6 पर्सन, ठीक है। उसके बाद एक था ईयर और मंथ वाला, मतलब ईयर दिया हुआ था 2021 और 2022 और मंथ दिया हुआ था और उसमें सजाना था, इसमें भी 12 पर्सन थे। उसके बाद सिलेक्शन बेस्ड पजल था, जो कि आईपीएस पीओ भी आया हुआ था, ठीक है, उससे थोड़ा इजी था लेकिन मैंने बनाया नहीं, हालांकि 9 पर्सन थे और 3 डिफरेंट एरिया से थे, ठीक है, और अलग अलग मंथ में उनका जन्म हुआ था, ऐसे करके था एक पजल। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मैंने बनाया है जो कि 100% सही है, ठीक है। उसके बाद कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, ठीक थे, इजी थे, मतलब आराम से बनने लायक थे। उसमें जो नंबर था उसमें +5 हो रहा था, मतलब जितने भी सिंबल दिए हुए थे कोड, जितने भी दिए थे सब में नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए A∆B2, ठीक है, तो 2 के बाद +5 ऐड हो रहे थे सब में, ठीक है। जितने जिन्होंने पेपर दिया वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, उसका एक आंसर मेरा फादर इन लॉ आया था, ठीक है, कोडेड डायरेक्शन में बता चुका हूँ। तो इसी तरह से टोटल रीजनिंग का पेपर इस तरह से था। अब आते हैं क्वांट में, क्वांट काफी इजी अगर बोला जाए तो इजी ही साइड से था, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे थे, 4-5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन थे के थे, 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे। अब बताइए अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक अगर मेंस में आएगा, ये हम लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन आज आईबीपीएस ने खुश कर दिया कि जाओ भाई तुम लोग भी खुश रहो स्टूडेंट लोग। तो 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 4-5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। उसके बाद केसलेट था, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये रहा कि डीआई एक भी नहीं थी, ग्राफिकल बेस्ड डीआई कोई नहीं था, केसलेट डीआई था, एक केसलेट डीआई मिक्सचर बेस्ड था, ठीक है, काफी अच्छा था, मॉडरेट लेवल का मैं बोलूंगा, हालांकि मैंने बनाया उसको अटेम्प्ट किया लेकिन काफी मॉडरेट लेवल का था और क्वेश्चन लेंदी लेंदी थे। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने उसके किए, एक क्वेश्चन शायद छोड़ दिया था। उसका क्वाड्रेटिक बेस्ड एक डीआई था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड डीआई था, ठीक है, जिसमें रूट्स वगैरह दिए हुए थे, M1 M3 रूट्स दिया हुआ था और आपको फिर कंपेयर करके निकालना था, इसके 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद विलेज लेवल डीआई, मतलब विलेज एक था उसमें मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ था और वो भी केसलेट टाइप से था, उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 4 से 5 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी का 4 से 5 क्वेश्चन था और अरिथमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन थे। तो ये रहा मेरा रिव्यू और जी के क्वेश्चन मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, मेरे कितने अटेम्प्ट रहे ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रीजनिंग मैंने टोटल 14 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले थे। मैथ्स में मैंने 21 अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं और जनरल अवेयरनेस में मैंने 32 अटेम्प्ट किए हैं। तो इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट हो गए 92। आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, किस स्टेट से अप्लाई किया है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरा अरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ये मैं बताना भूल गया, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मुझे मिला है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी गाइड कर सकता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना मत। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।